cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. Assalamualaikum. तो मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत प्यार, इस्तग़फ़ार और सब कुछ सब कुछ. और उम्मीद करके आप लोग अच्छे रहेंगे. अच्छी नहीं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. फिर आज वापस मरियम की जिंदगी में आप फिर शामिल हो गए हैं नई नई प्यारी प्यारी सुबह के साथ में. अल्लाह सबका दिन अच्छा जाए. परवरदिगार, हमारी सुबह हो चुकी है और ये दुकान आपके लिए नाश्ता भी रख चुकी है. नाश्ते में है पहला तो है दवा, दूसरा तो है इंजेक्शन, तीसरा मलाई, चौथा ये पराठा. आप लोगों को तो पता है पराठा तो जान मस्ती पराठे में, और ये शक्कर और मलाई और इस चाय. अंदर है अभी अंदर कप लेकर, गला कप लेकर ना हवा में उसको चाय सुनना, वो थोड़ी ले पीछे रखा पीछे. यानी चाय ठंडी हो रही है, यानी मैं कितना स्मार्ट लग रहा है देखना. क्योंकि जब भी इसलिए तो आता भी होने में जल्दी दो तीन दिन से स्पोर्ट्स डे चालू है तो पीटीदा कपड़ा ही घुसता है. ये अभी आँखों में ना लाल पड़ा लो दिखना कुछ नहीं, बहुत अच्छी लगे घुसता है ना. अरे आप बताइए हमारा चलो बात करते देती है अभी थोड़ा टाइम में. किधर है? आयान फाइनली आ चुका है, चाय पी रहा है. किधर है? घर को फोन कर रहा है. बोलता कल था पीती है तो अभी अनाम आयान जाने की तैयारी कर रहा है. अनाम सामने थोड़ा सा जरा सामने आयान में बहुत शर्म आती है, क्या करने का. मैं शादी का आयान थोड़ा दिख गया और आपको भी दिख रहा है ना, जीव का असर हो रहा है ना आयान को. नाश्ता भी नहीं कर सकूँगी, डाइट की दुकान ले रहे हो. इनका बैग इन्हें मिल गया, व्यायाम रखाएगा और यह पैसा है ऐसे जेब में, पैसा चेत ले ले पॉकेट में से. बस चलो फिर मिलते हैं. नूरी ने देखो सुबह सुबह जाके बाजार लेके आलू खलास हो गया था. नूरी बोलती था हमेशा शाम को अम्मा क्या चाह रही थी लेके आता था ना, ये मटर लेके आई नूरी बाजार लेके आती जाके. मैं तो जाती हूँ बाजार में, ये ककड़ी लेके आइए, ककड़ी लाइए, टमाटर लाइए, टमाटर सेपू की भाजी, मेथी और कोथमीर. तो मैं बाजार जाती हूँ, वो कंटा लाते इतना फीमी में सब उठा के लाने. वांगी बैगन डॉक्टी टमाटर है ना. कितना ली टमाटर? अढ़ाई किलो. कैसा किलो दे रहा? 20 50 का अढ़ाई किलो टमाटर सस्ता हो गया. 10 वाले भी? हाँ. ये नींबू मिर्ची अदरक तुरई लौकी बंद गोभी और फरज भी करेला. फिर एक हफ्ते की भाजी आ गई अपनी, मच्छी नहीं मिली. भाजी आ गई अपनी, मच्छी नहीं मिली. अरे मांदे नहीं थी और नहीं था कुछ. बांगड़ा था नहीं, अच्छा नहीं था, काटे की बांगड़ा था. बोम्बिल भी नहीं थी, पतली पतली थी. लहसुन मच्छी बराबर नहीं थी बोलते. मेरी का बाजार हो गया. सम्मी के लिए क्या बन रहा है? आलू फर्ज बीज. और मेरे किचन का भी सुबह सुबह ये हाल है, बाद में बताते हो क्या है. तो आप लोग अपने बाल को सॉफ्ट रखना है तो देखो ऐसी घर में आप लोग हेयर स्पा बना सकते हैं. तो मैंने इसके अंदर डाली ये विटामिन सी डाली हूँ.
और इसके अंदर ये दो मिक्स करी हूँ और ये अलविदा जेल डाली हूँ इसके साथ में और इसके साथ में कोकोनट ऑयल डाली ये मिक्स करके तीनों में आधा 20 से 25 मिनट सर में लगाऊंगी और रखूंगी। फिर इसके बाद में मैं सर दूंगी इससे बाल एकदम बाल को एकदम शाइनिंग भी मिलेगी और जो मेरे बाल कमज़ोर है उसको रिपेयरिंग भी मिलेगी। जब के बाद टूटते वो सब होते उससे मुझे बालों में जान भी मिलेगी। अब आए आए मेरा नया ब्रश है, देख ड्रेसिंग टेबल में नया ब्रश है तो आप लोगों को रिपेयरिंग भी मिलेगी। अपने इंजेक्शन में तो अपनी उम्र अभी है नहीं, इंजेक्शन लेंगे तो बाल आने की, अब ये सब करेंगे तो बाल जो है सर में तो वो भी टिक जाएंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और अपना हेयर स्पा कराती हूँ, कभी पार्लर में जाऊँगी तो मैं ज़्यादा करके घर में ये सब कराती हूँ। तो आप लोग भी ये टिप यूज़ करो, आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल, थोड़ा मेरी बहन की तबीयत ख़राब है तो उसको देखने के लिए जा रही हूँ। तो अभी बज रहे 4:30, खाना वाना खा ली हूँ। देखो ये नूरी लोग देखो कितने बदतमीज तरीके से खाना खा रहे, ना दस्तका ना कुछ, देखे कैसे ये लोग इनके बदतमीज चले आप देख सकते हो। अरे भाई आज बाजार आया है, टाइम हो गया तब। हाँ तो इनकी बदतमीज गिर गए। सईदा को देखो, अरे बाप रे कई तरह का सईदा, देखो सालन मानदेली का सालन मंगा था, वाकई में एक नंबर बना था। मैंने भी वाकई में चम्मच से खाई हूँ लेके, और फोन बहुत मुझे टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा, सईदा का स्टाइल पूरा दिखाना पड़ रहा है, लुक सईदा का लुक दिखाना बहुत जरूरी रहता मुझे। तो इसके साथ में मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल पे आती हूँ। तो आज इंशाल्लाह 3 दिन से वो सोचे समीर के लिए कोल रोटी बनने वाला है मगर वो बन नहीं सक रहा। कल भी मैं गई उधर छीनने में चले गई, परसों क्या था नूरी कहाँ चले गई थी, क्या तो भी हुआ था परसों भी नहीं हो सका। हाँ परसों कुरला गई थी, परी आ गई थी। हाँ अभी भी जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो इंशाल्लाह फाइनली आते नारियल लेके आती। नूरी को बोली, नूरी बोली तो चिकन सब निकाल के रख, मैं आती हूँ तो फिर बनाती नूरी। और ये तो जो खाने का सब टोस्ट वोस्ट का थैला ना एकदम साफ करके, दुपट्टा तेरा है पहनती नहीं ना, एकदम गल गया वो, फेंक दे दुपट्टा। अच्छा तो गंदा वगैरह, ये टोस्ट वोस्ट के पैकेट सब सही कर रहा है, मैगी का मसाला। अजमेर जाएगा ना तो मेरे लिए 4 दुपट्टे। हाँ 6 दुपट्टे लाती, और वो क्या बोलते है ना वो ये टॉली पूरी साफ से ही आऊंगी तो। और ये रोटी का डब्बा सैदा में जाएगा तो मेरी अम्मी क्या दे दो, ये रोटी का डब्बा लकड़ी वाला, ये डब्बा सर के ऊपर। चलो फिर मैं लिख रही इसके साथ में। और ये फूल, ये झाड़ का नहीं दे, ये झाड़ का फूल का पानी बदली कर दो, नया फूल डाले गया है ना, आज का दिन रहने दू। अच्छा अच्छा चलो सैदापा, सईदापा इधर आओ, ये देखो नूरी तू तो इधर आ, कितने डाक दिख रहे हैं, मैं कैमरे में भी दिखा रही हूँ। जानी पे हाँ फिंगरप्रिंट से पूरा, ये पूरा साफ, ये हैंडल ये पूरा साफ से, यहाँ हैंडल वैंडल सब सेट कर बता ही रहे थे। बापरे बापरे नूरी दूरी डाक दे, चल कर इतने बड़े बड़े करते नूरी नहीं नूरी नहीं सईदापा काम ही है, और नूरी भी कर लेगी तो बड़ी बात नहीं है। सईदापा पूरा दरवाजा अच्छा पूछ के लो, ये देखो ना कितना दाग है, आने तक दरवाजा आगे जैसे देखो ये लॉक के ऊपर कपड़ा मारो। चलो फिर मैं जा रही हूँ सईदापा, ने देखो यहाँ पूरी साफ सफाई करी है, एक नंबर सईदापा ने सब धोखे लगाए, ये पूरा हमारा टाइगर को भी धोखे लगाए, हमारे घोड़े को भी धोखे लगाए, फिश को भी धोखे लगाए, झाड़ भी पूरे अच्छे से पूरा हटा के पोछे की पोछना पड़ता है ना, तो आप देख सकते खाली दरवाजा ही पूछे गए ना, वो भी मैं आने तक पोछ डालेंगे। होता है उम्र का कसा। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं और हमें जा रहे हैं MIDC के रास्ते पे है हम लोग, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। गाड़ी में बैठे हैं और 4:30 की धूप तो आप लोगों को पता ही है मुंह पे कितनी मारती है, तो धूप भी बहुत ज्यादा है, तो घड़ी घड़ी सूरज आ रहा है मुंह पे, तो वीडियो में थोड़ा ब्लर जैसा आएगा। ओके फिर भी आप लोग पे मेरा सब वीडियो ब्लर आंदो कैसा भी आंदो देखते ही है, ऐसा आप लोगों को पता ही है कि मेरे को जैसा आता मैं बनाती हूँ, मैं प्रोफेशनल रिनम ब्लॉकर नहीं हूँ, जैसा मुझे आता है मैं बनाती हूँ ना, बनाना तो सीख गए अल्लाह का शुक्र है ना, सबसे बड़ी बात ये। और क्या बोलते है आगे देखो ट्रैफिक है,
बसेस, रिक्शा, टेम्पू, पीछे भी रिक्शा, इधर बर्तन धुल के रखे सब खाने, दोपहर में इधर खाना बन, मतलब वो सेल होता है इधर, क्योंकि इधर सब कंपनी है ना अमित, हाँ इधर भी सब होता है, देखो खाना सब बनते रहता है इधर, दोपहर में बहुत सारा खाना मिलता है, हर किस्म का रोटी सब्जी और ऊपर से पूरी भाजी, वड़ा पाव, बहुत से मिसल पाव, क्योंकि ज्यादा इधर कंपनी ज्यादा है ना, तो सब लोग खाना खाते इधर। फाइनली मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इधर बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रोमा बोलते इसको, बाल खाते साहब बालाजी साहब ने बनाए थे हॉस्पिटल, तो बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, इधर की सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन हॉस्पिटल है, कि हमारे यहाँ के बहुत लोग इधर आते हैं फटाफट इमरजेंसी में, पेशेंट को बहुत अच्छा लेते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इधर। हेलो बेटा, हाय, तो मेरे फैन लोग यहाँ भी है। कैसे हो? और कैसी है, क्या किसकी दवा लेने आई? ये बच्चे को तबीयत खराब। हाँ अच्छा, तो क्या हुआ उसको? अभी हो रही है। हाँ अभी हो रही है। हाँ। तो मैं हॉस्पिटल जाके आ गई अपनी बहन को देख के, अभी कर रही हूँ नाश्ता, नाश्ते में क्या है टोस्ट के ऊपर बटर लगा के खा रही हूँ, जो परी ने लाई थी बहुत मस्त टोस्ट था वहाँ का, और सभी ने मेरे कुछ गिफ्ट लाए ले, मैं भी आप लोग को बताती हूँ। तो गिफ्ट मैं बोली कि मैं नाश्ता तो कुछ नहीं, नाश्ता करके खोलूँगी, खाई नहीं पहले नाश्ता, हमको भूख लगी है, लाइट के बिल आ गए तो इतने सारे आपके पड़े ले, लाइट के बिल ने तो मुझे इतना परेशान किया है, 50,000 रुपये मैंने लाइट का बिल आया, जो मेरा सब रेंट पे रूम चलते उधर के, लाइट के बिल ने दम कर दिया, दम माई कर दिया, दम माई बोलते रे नापा, दम कर दिया आज मेरे लाइट का भी दम माई लग रहा है। मैंने को रोटी के लिए हमारा मसाला एकदम रेडी हो रहा है, देखो ये मिक्सर में नारियल पीस रहे और ये नारियल का दूध पेस्ट मतलब हाँ वही दूध निकाल रहे, तो ऐसा इसके लिए दूध निकालना पड़ता है कोल रोटी के लिए। अभी इसका मसाला देखो पीसने का बाकी है, ये मसाला इसमें सब डालेंगे और इसको पीसेंगे, और जीरा बाकी, थोड़ा गरम मसाला बाकी है, और ये चिकन स्टीम वाला चिकन है, ये भी पानी में डाल के रखे है, तो मैं जिम जाके आऊंगी तो सारे हम लोग बनाएंगे, फिर आप लोग देख लेना। और इसके बाद देखो मेरी बेटी लोग मेरे लिए श्रग लेके आए थे, कितना प्यारा लाए थे जारा और जामिन ने, आप लोग देख सकते हो। चलो मैं बाहर से अच्छे से और दिखाती हूँ आप लोग को, और मुझे आने के बाद मैं रेसिपी बताऊंगी खाने की। वो देखो श्रग कितना प्यारा लग रहा है ना, बेटी लोग लाए एकदम सॉफ्ट, एकदम प्यारा प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ओके है ना, ओके ओके, चलो फिर मिलती हूँ अभी मैं आके, तो जिम के लिए बहुत लेट हो रहा है तो मैं आके मिलती हूँ आपको। अभी जा रही हूँ मैं जिम, और लिफ्ट में हूँ, आया ना समीर चले गए नीचे, और जिम जाने के मेरे को बंगड़ी भी नहीं उतार पाई, अंगूठी भी ऐसी रह गई, घाई मारी होगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी आप लोगों को पता है, तो अभी कल उतार दूंगी। अंदर मैंने हेयर बैंड भी लगाई मगर दुपट्टे से दिख नहीं रहा है। नीचे जाना है यार, नीचे चलना है। हाँ तो मैं 10 माले पे लिफ्ट आ गई थी, नीचे जा रही है, और नोज रिंग भी मुझे निकालना है, घर में इतनी बड़ी नोज रिंग नहीं पहनती मैं, तो आज कुछ हो नहीं पाया, तो अभी आने के बाद सब निकालती हूँ। खाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आज जिम थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, आपकी मुझे सालन बनाना है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, फिर थक जाती हूँ आपकी, फिर लेट हो जाता है ना, फिर आयन को भूख भी लगती है, बच्चा क्या जिम करता है तो उसको भूख, क्योंकि आयन को हम लोग डाइट तो नहीं करा रहे खाने के ऊपर, छोटा है ना तो उसको डाइट नहीं है अभी, जब उसकी उम्र हो जाएगी 18 साल का जब डाइट करेंगे। ओके, तो ये फ्रूट की दुकान है जहाँ से मेरा माल्टा और ये सब जाता है, माल्टा है एक नंबर, माल्टा और ये संतरा, दोनों मिक्स जूस पीती हूँ, मौसमी आते जाते हैं, और इनसे अंडा, देसी अंडा लेके जाती ना अंकल आपसे, कितना अंडा जाता है हमारा,
उनसे मेरा देसी अंडा जाता है और मेरा साउथ वाली हर चीज मिलेगी। साउथ लोग जो खाते हैं साउथ हर चीज मिलेगी अंदर, खाने से लेके साउथ इंडियन वाली। अरे कोई रोटी ले ना, मिलेगा कभी आते थे इधर आते मैंने पूरा ली पेरू की, खांसी इतनी हो रही है और फिर पेरू को देख के दिल नहीं मान रहा है, खांसी बहुत हो रही है मुझे अगली बार की पेरू से। अरे मैंने अजमेर में खाई तुम्हारा पेरू, उससे खांसी हो गई मुझे। 8 डिग्री सर्दी था उधर, अभी मैं लेकर नहीं गई के बीच में, उससे मुझे खांसी जब से रुक रही नहीं है। पपीता तैयार है तो मुझे भी एक देना, छोटा ही देख के देना। हम तो फ्रूट ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं फ्रूट ही लेती हूँ ज्यादा, मुझे भी छोटा ही पपीता देना। तो मेरे घर में अकेली फ्रूट खाती, कोई भी नहीं फूल रहे तो कोई भी। फिर से हमारे विजयनगर फ्रूट की दुकान है, फिर से हमारे विजयनगर फ्रूट की दुकान है। ये ऊपर बना रही तो मैंने घर का मसाला पिसा हुआ 2 चम्मच इसमें डाली, इसलिए मैं गरम मसाला ज़्यादा ऊपर से डाल रही हूँ। तो अपना पूरा गरम मसाला पिसा हुआ रहता है, तो ये अपनी नई वाली भरनी कैसी आपको ज़रूर बताना। तो ये मेरी नई वाली भरनी है, देखो ये धनिया पाउडर 1 चम्मच और मसाले में जो पीसे थे अखा नारियल, अगर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी से बनाना है तो, और पूरा हरा मसाला जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर, ये पूरा हमने पीस दिए। कश्मीरी लाल मिर्ची जितना आपको तीखा चाहिए उतना आपके हिसाब से, हमें ज़्यादा तीखा नहीं खा। और इसमें मैं थोड़ा डालूंगी चिकन मसाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट चिकन मसाला निकाली हूँ, थोड़ा मैं इसमें चिकन मसाला डालूंगी। मसाले फाइनल हो चुके हैं, हट एक मिनट देखिए, शाहजीरा में डाल रही हूँ, शाहजीरा में लाल हो रहा है, साथ में डाल रही हूँ। देखो मसाला एकदम मस्त हो रहा है, अभी इसके साथ में मेरी मसाला लाल अच्छा हो गया, तो तेल अच्छा गर्म हो चुका था, तो अभी मैं इसके साथ में हमको 4 रोटी के लिए थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको इसका शेरवा जो होता है रस्ता ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो रोटी के अंदर मसाला बहुत ज़्यादा लगता है और मसाला बहुत अच्छा भूनना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नारियल है तो स्मेल नहीं आना चाहिए। ओके, और मैंने इधर चावल ही भिगा के रख दी हूँ, बर्तन देखो पूरा साफ करके मैं अच्छे से छोड़ूंगी। फिर ऊपर से कड़ी पत्ता भी डालूंगी। और इधर देखो मेरे चिकन के अंदर अच्छा चार तक पानी से चिकन धोई हूँ और उसके अंदर भी नमक मिला के रखी हूँ, तो चावल भी इधर पानी में डाल के रखी, कोलम चावल स्टीम राइस बनेगी नरम नरम मेरे और अनाथ के लिए। और ये अंडा उबाल के रखी हूँ, अंडा डालूंगी, एक अंडा टूट गया इसमें से, तो अंडा मैं ऐसा कट करके ऊपर से डालूंगी और ये ऊपर अक्के अंडे डालूंगी। नमक मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाली हूँ, बाद में जो मुझे लगा तो मैं और डालूंगी। चलो मैं मसाले के डब्बे से लेके आई हूँ, पतली मगर नाजुक है मगर खूबसूरत है। ये देसी घी मैं ऊपर से डालूंगी बाद में, और जब कोठनी रखी हूँ उधर देसी घी है।
रोटी का डब्बा रखा मैंने नया लेकर ले ली और मम्मी मेरे सुबह नाश्ते के लिए चार रोटी बना के गई है क्योंकि आज हम लोग रोटी कोई भी नहीं खाएंगे। रोटी का डब्बा मैंने चेंज की, पहले वाला ये डब्बा था ये चेंज कर दी, दो तीन साल मैंने यूज करी है डब्बा। और इसमें अनार मम्मी ने मुझे छील के दी थी, मैं भी हॉस्पिटल गई थी तो मैं खाई नहीं, गाड़ी में मुझे फ्रूट खाने की आदत है तो नहीं खाई, कल खाऊंगी फ्रीज में। और ये सब मेरी तो प्लेट रेडी रखते हैं, देखते ही मसाला क्या कर रहा है। मसाला में दही चल रहा है, देख सकते आप लोग जितने आ रहे थे। ये देखो नारियल का इसमें दूध डाल रही हूँ, जो मिल्क होता है नारियल का ये डाल रही हूँ। पास वाले गैस पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से भूनने नहीं होगा, क्योंकि फास्ट पे नहीं जलेगा और खर कर उड़ेगा, अपना जो बर्तन है वो भी गंदा हो जाता है, जितना ना आपका सालन टेस्टी बनेगा। तो इसको चाहिए तेल नूरी में थोड़ा बचाव की रखा, बर्तन का भी मैं थोड़ा सा दूध पे डाल दूंगी। तो मैं राइस में थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को और आपको तो देसी घी चाहिए ना, है ना, ये लोग को रोटी खाएगी, हम लोग नहीं खाते ना को रोटी। और मैं चावल का पानी नहीं निकालूंगी, स्टीम का इसलिए नरम नरम बनाऊंगी, हम लोग को बहुत टेस्टी लगेगा। और ये मैं सालन में भी डालूंगी थोड़ा सा घी, मैं इसको ढक्कन डालती हूँ, तो बहुत जोर की भूख लगी है, बोला मम्मी थोड़ा जल्दी बनाओ कि जीव से आता मेरा बच्चा थोड़ा भूखा हो जाता है। चम्मच इसमें गर्म होगा निकल जाएगा। आपका कुछ नमकीन ये देखो, ये इसके अंदर मैंने ऐसा काट के रखी हूँ, ये सालन में छोड़ूंगी जब मैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताना, मेरे चैनल के ऊपर मैसेज चालू है इसमें, तो आपको जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और आपको ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। मगर इसमें गीला खोपराया जो नारियल होता है उससे ही बनता है, सूखा खोपरा मत बनाना, उसके खोपरे से आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके अंदर पूरा अखा बड़ा एक नारियल गया है, एक नारियल तो चाहिए एक किलो इतने चिकन के लिए, तो नारियल का ही मसाला पूरा पीस लेने का साथ में, हमको इसमें मसाला ज्यादा चाहिए। मुझे हंडी में ऐसा हिलाने बहुत मजा आती है क्योंकि हंडी में मुझे ऐसा लगता है हिलाने से ज्यादा तेज आता है। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही। आज मुझे शादी की दावत भी थी अगर मैं नहीं गई क्योंकि मेरी बहन बीमार थी, मैं हॉस्पिटल उसको देखने गई थी तो मैं नहीं जा पाई शादी में और मुझे थकान भी हो रही थी। रोज रोज में फंक्शन में नहीं जा सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं नहीं गई थी, नजदीक की शादी थी, मैं अभी क्या करूँगी, थकान हो गई है, ठंडी का टाइम है, हाथ पाँव दुखते हैं, तो सुबह जल्दी उठो भारी पड़ता है ना। देख सकते हैं आप लोग मसाला एकदम अच्छे से भूने जा रहा है मस्त एकदम। मैं इसमें डालूंगी अंडा जो मैंने तोड़ के रखा था, मैं ये डालूंगी तो और टेस्ट अच्छा होगा। उसके बाद ही चिकन छोड़ के चिकन अच्छा गलने तक और मसाले में भूने जाएगा, मसाला और भूने जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने चिकन इसके अंदर छोड़ने वाली हूँ और मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा छुरी से टचिंग टचिंग करी। तो मैं 5-6 पानी में चिकन धो चुकी हूँ और नमक लगा के रखी थी, अभी फिर से 5-6 पानी से साफ कर रही हूँ। और ये स्किन वाला चिकन
अच्छी बहुत अच्छी तो मंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है जो हम लोग दमन से मंगाते परिक्रमा से। स्किन वाला रहते मजा आती खाने के लिए। कोथमीर काट रही हूँ, इसके अंदर कड़ी पत्ता डालूंगी तो ऊपर से इनमें पकेगा। जब कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साउथ इंडियन सालन और कड़ी पत्ता नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना, तो ये यही जाएगा। देखो मैं इतनी प्रॉपर तो साउथ इंडियन नहीं हूँ, जो भी आता है देख के सीख के बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी आदमी है तो थोड़ा बनाना पड़ता है। मैं प्रॉपर तो मैं हमें हम लोग मुंबई की है ना, तो इतना कुछ ऐसा नहीं है, अपना कोई गांव देश नहीं है, मुंबई से ही अपन महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे खाना सब आता है बनाने के लिए। कोशिश कर लेते हर चीज की। देखो हंडी बनना सब बन रहा है, अभी आपको थोड़े टाइम के बाद और दिखेगा। तो फाइनली थोड़ा सा चिकन मतलब थोड़ा सा बाकी है, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, मुझे जितना डालना है उतना। देखो मैंने ये थोड़ा पकाऊंगी अच्छे से, और ये देखो मेरे को इतनी थिक ग्रेवी चाहिए। ओके तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा इतना ही गिरेगा, इसके अंदर नमक वमक सब बराबर है इसके अंदर। अभी मैं इसमें छोड़ूंगी अंडा जो है कोमड़ी का अंडा है ना, और इसके लिए फाइनली डालेंगे नींबू, तो दही तो मैं डालूंगी इसके अंदर, दही डालने को मजा नहीं आएगा, इसके नींबू का ही मजा आएगा। क्योंकि ज्यादा है तो मैं अखा नींबू डालूंगी, क्वान्टिटी ज्यादा है ना, क्योंकि 1 किलो चिकन और 1 किलो सब मसाला और सब मिला के 2 किलो हो गया। ये इतनी बड़ी हंडी में सालन हमारे इतनी रात में मतलब 4 घंटे 2 रोटी बनती, बाकी सालन नहीं बनते इतना सारा। तो मैं इसको मिक्स कर देती पहले, अब देख सकते हैं ग्रेवी का कलर। अभी और पक के तरी आएगी, और अभी इसके अंदर मैं डालूंगी कड़ी पत्ता और कोथमीर। कड़ी पत्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा जब पकेगा तो। और अब इसके अंदर छोड़ दूंगी देसी घी, जिम जाते हो देसी घी इतना खाते ना ये भी जरूरी है। हर चीज से देखो आप देख सकते हो मेरा माशाल्लाह से ग्रेवी एकदम तैयार हो रहा है। मैं तो उठा के थोड़ा सब उठा लो, किचन में गंदा पसंद नहीं है। आया से हो गया है, और ये ग्रेवी के साथ में ऐसा स्टीम राइस भी अच्छा लगता है, मस्त स्टीम राइस भी हो गया है देसी घी वाला। और अय्यू को बहुत भूख लगी है, तुम्हें बहन बोलती है आपको रोटी, उसको तोड़ना पड़ता है ना, तो तोड़ना चालू जब तक सालन का उबाल भी अच्छे से आ जाएगा ना, पकेगा सालन तब तक बहन वो कर लेगा ना। ऐसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताना प्लीज ना, आप लोग के लिए वापस से मैं किचन में आ गई, तो आप लोग जरूर बताना कैसा लगा। तो हमारा सालन इनमें फाइनली रस्ता तैयार हो चुका है, और समीर लोग खाने को बैठ लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह करी कितनी अच्छी आई है, देसी घी भी मैंने डाली इसमें, कड़ी पत्ता गरम मसाला आप लोग एंगल एंग में बराबर देख सकते हो,
ये राइस भी हमारा आगे हो चुका है और ये हमारा ये अभी इसके अंदर मैं आयन को दूंगी और इसके अंदर मैं समीर को दूंगी स्पून बिस्मिल्लाह करती हूँ क्योंकि खाने को बहुत लेट हो रहा है उनको मेरा ये को बहुत भूख लगे अगर मुझे बोलता है ना मम्मी भूख लगी तो मेरे को कुछ बर्दाश्त नहीं होती जिंदगी चल रही बेटा पागल है या जो भी किला चला रहा मेरा प्यार में तभी मेरे को और लगेगा साले वापस आना पड़ेगा आज तो मेरा ना कहेगा मेरा प्लेट निकालेगी मुझे भी बहुत भूख लगी है कुछ लगेगी हो जाती है आज बोल अस्सलाम वालेकुम देखो अभी ये जो मेरा साउथ इंडियन फेमस डिश है को रोटी ये को रोटी का जो रोटी तो रेडीमेड मिलता है तो उसका जो सारान रहता है वो घर पे बनाते हैं मरियम एक नंबर क्या और इसको देखो इसको चिकन एक करके ये अंडा फूल डालते हैं उसमें फिर उसको सब इसको ये करते हैं फिर मिक्स करके खाते है बहुत टेस्टी है और साउथ इंडियन में वन ऑफ द फेमस डिश है ये बहुत सारे जाके होटल में खाते है मैं भी होटल में खाता हूँ पर अभी है ना मैं घर में भी ट्राई किया जब से घर में मरियम बनाते जब से हम लोग ज्यादातर करके गरियम में घर पे बनाते अभी और एक डिश है हमारे साउथ इंडियन का और मटन सुक्का बोलते उसको क्या वो भी बहुत जल्दी मरियम घर पे बनाएगी फिर आपको मैं दिखाऊंगा वो भी ये दो फेमस डिश है एक नंबर मेरे सर बुरा दुख रहा है मेरे बुलर लगा के देती हूँ सर मैं थोड़ा मसल रहा है यार कभी मैं एप्पल कट करी अभी एप्पल खाऊंगी अपनी टैबलेट पूरी खाऊंगी फिर उसके बाद बिराजूंगी मतलब सो जाऊंगी तो माशाल्लाह से आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बना आप लोग जरूर देखना आप लोग देखेंगे जितना रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे उतना अच्छा लगेगा ब्लॉग बनाने के लिए तो आप लोग का प्यार ऐसे ही चाहिए तो उसके साथ में आप लोग के प्यार और मोहब्बत के साथ में मैं ब्लॉग एंड करती हूँ और ये 12वीं रेखा मैंने जो करी थी ना आपको बताई थी इसके लिए उसी मतलब बताई थी 12वीं रेखा कितने सॉफ्ट हो गए मैं कुछ भी इसमें आई नहीं करी मैं कुछ के लिए आप दोस्तों के 12वीं रेखा सॉफ्ट हो गए और अम्मी 12वीं का सॉफ्ट हो गए संगेल कितनी लगाऊंगी कुछ इससे साइड इफेक्ट तो नहीं अम्बुला जेल है और कैप्सूल है और नारियल का तेल आप भी घर में से भी कर सकते हैं अगर आप हेयर स्पा कराने नहीं जाते हो तो आप घर में से भी करा सकते माशाल्लाह से बाल बहुत नरम और बहुत अच्छे हो गए क्योंकि मैं करा करी थी तो बहुत माशाल्लाह मैं कमरे भी नहीं करी ऐसे दिल्ली वाले भी चले गई थी तो अभी इसके साथ में मैं इंशाल्लाह थोड़ा ब्लॉग प्रवास करती हूँ कल जिंदगी फिर आप मुझसे मिलती हूँ फसल के टाइम पे दुआ करो आप उसी अल्लाह तला मुझे मिलाते रहे I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo.
I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't.